हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बहुत दिन से, मतलब कि आज से 7-8 दिन पहले से जो है हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बता रहा था, सारी न्यूज़ आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स आज जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कल जो है कुछ स्टूडेंट्स को जो है पुलिस जो है ले गई थी, 4-5 लोगों को, और कुछ जो है डेटा जो है सामने निकल कर आया है, जैसे कि 4,11,000 जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, और 44,000 स्टूडेंट जो ग्रेवेंस डाला था वो एक्सेप्ट हुए हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गौतम सर ने बताई हैं। और प्लस मैं बता दूंगा आपको कि अब उनका जो है प्रोटेस्ट लगभग लगभग ख़त्म है, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही कहा है कि बस ख़त्म है, और मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने कुछ जानकारी दी है, तो उसको देखिएगा, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे रखा था, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसके बाद आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, आरआरबी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, सभी जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पर आकर पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी सी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। अभी हम रेल भवन के सामने ही बैठे हैं, और एक अंगराज मोहन जी है जो आरआरसी के डायरेक्टर है, उन्हीं से हमारी बात हुई है इस संदर्भ में, जो मॉडिफिकेशन के लिए आपको बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो 2018 में हमने एक गलती की थी मॉडिफिकेशन नहीं की, तो वो हम इस बार नहीं कर रहे हैं। वो मॉडिफिकेशन लिंक नहीं देना चाहते। हाँ, वो इतना कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट का, उन्होंने ये कहा है कि जिस स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फोटो सिग्नेचर के वजह से, तो उनको जो रीज़न दिया है अगर वो सही नहीं है तो वो अपने अपने आरआरबी को मेल करें, और अगर जवाब नहीं आता है तो उनको सीसी में करें, उनका सीसी में मेल करें, और बाकी जो जिन आरआरबी अपने अपने आरआरबी में मेल करें, जिन आज आरआरबी में आपने अप्लाई किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेल वहाँ कीजिए, अगर रिस्पांस 3-4 दिन के भीतर नहीं आता है तो फिर डायरेक्ट मुझे मेल करें, ना उनको मेल करें, ये वो कह रहे हैं रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। तो वो टेक्निकल इशू पे बात कर रहे हैं, जो उनके तरफ से कहा गया है कि हमारी कोई पर्सनल ऐसी दुश्मनी या और कुछ नहीं है, कि हमने 4,00,000, उन्होंने एक स्पेशल डेटा भी दिया है कि 44,000 ग्रीवेंस डालने के बाद 44,000 के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं, और 4,11,000 के अभी भी रिजेक्ट ही है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप आरआरबी जो जूनल जहाँ जहाँ आपने आवेदन किया है वहाँ मेल कीजिए, और 3-4 दिन के भीतर अगर आप तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं तो मुझे मेल कीजिए। तो अभी देखिए, ये यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्निकल इशू पे मॉडिफिकेशन लिंक की बात नहीं कर रहे, और जहाँ तक पीयूष गोयल जी को मिलने का सवाल है, तो हमने यहाँ दिल्ली में बहुत उनसे मिलने की कोशिश की, बट वो डायरेक्ट कभी ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि हम अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद है जो उनके कांटेक्ट में हैं और मिल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनसे लेटर ले, अपने अपने क्षेत्र के सांसद या मंत्री से पीयूष गोयल जी का लेटर ले, और हम उनको डायरेक्ट मिले, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी किसी मंत्री से काम नहीं बनेगा, होगा काम, अंत में काम होगा, और फाइनली अगर काम होगा तो वो पीयूष गोयल जी कर सकते हैं, दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता, ना रेलवे का कोई चेयरमैन कर सकता है, ना अधिकारी, वो तो अधिकृत अधिकारी थी अंगराज मोहन जी के, वो तो अधिकृत अधिकारी है आरआरबी के, वही सारा कुछ देखते हैं, और डायरेक्टर भी है ये आरआरसी आरआरपी बोर्ड के। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अभी आपका ये काम है, हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं, मगर ये अभी हम सबका काम है कि किसी के रिश्तेदार में निकल जाए, या आपके मंत्री वगैरह हो किसी के रिश्तेदार में, या वहाँ तक, और उनसे एक लेटर लेना है जो कि डायरेक्ट पीयूष गोयल जी के नाम से हो, कि मुलाकात करने का। तो इतना मैं बोलता हूँ कि मॉडिफिकेशन लिंक वो नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरआरबी अंगराज मोहन जी का कहना है, वो अपने तरफ से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दे सकते। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि अपने लेवल पे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि हमने कोई तरीके छोड़े हैं उनको समझाने के, बट उन्होंने टेक्निकल इशू पे बात की,
तो टेक्निकल इसी पे हमने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। तो अभी हमें ये सारी जो उन्होंने हमें बातें कही है उससे हमको यही लगता है कि अब ये आखिरी लास्ट ऑप्शन पीयूष गोयल जी है। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि आप मिलो, इतना आसान नहीं है, अपने लेवल पे भी कोशिश करके देखिए आप भी कि पीयूष गोयल जी को मिलना इतना आसान है क्या। तो यही एक अंतिम रास्ता है कि बस पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल जी से ही अगर हम मिल सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपने मंत्रियों से मिले, आमदार खासदार जिससे भी हो सके मिले, और ये कोशिश करें कि उनसे एक लेटर प्राप्त करें जो पीयूष गोयल जी के नाम से हो, और वो डायरेक्ट हमको मीट करेंगे। हमारी समस्या का समाधान अब पीयूष गोयल जी के पास है, इसके बाद और कोई समाधान हमारा कर नहीं सकता, ये भी मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है तो आप बता दीजिए। एक तो पहले सबसे पहले हम लोग को एक जो डेटा पता चला है आज कि अभी तक 411,000 का एग्जैक्ट डेटा इन्होंने बताया है आज कि इतने लोगों का फॉर्म अभी रिजेक्ट किया गया है फाइनल। तो उन 411,000 लोगों के लिए पहली एडवाइस ये होगी कि अगर उन्हें लगता है कि उनका इनवैलिड बताया गया है फोटोग्राफ तो वो अपने RRB को सभी मेल करें, जितना जल्दी हो सके मेल करें। CC में अंगराज मोहन आप लोग वेबसाइट पे जाके उनका मेल आईडी चेक मिल ले सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप उनको CC में रखें और अगर वहाँ से आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम लोग दोबारा प्रयास करेंगे कि एक बारी फिर से इनको अंगराज मोहन जी को पर्सनल मेल किया जाए या लेटर लिखा जाए या बाद में मिला जाए जिस तरह आज मिले। इसके अलावा क्योंकि आज अंगराज मोहन काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं और इसके अलावा सिर्फ अगर कोई काम हमारी सुन सकता है तो वो रेल मंत्रालय में सिर्फ पीयूष गोयल हैं। तो पीयूष गोयल से हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे मिलने की अपने स्तर पर भी, और आप भी, आपसे भी जहाँ भी कोई जानकारी में या कोई लोकल में आपको कोई MP हो, कोई सांसद, कोई मंत्री हो जिससे आपको लगता है कि वो पीयूष गोयल जी से तक बात पहुँचा सकते हैं तो आप लोग उनसे भी प्रयास करें कि एक मुलाकात का समय दें, क्योंकि आखिरी उम्मीद हमारी पीयूष गोयल ही है। कोर्ट का हमारी केस नहीं हो जाएंगे वहाँ पे, लीगल हमारे पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट में क्या है कि अधिकतर लोगों की फोटोज में रेलवे के मुताबिक कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ का ब्लर है, कुछ का कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, कोई सेल्फी वाला है, कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, तो वो कोर्ट में टिकेगा नहीं, काफी सारे हमारे अगेंस्ट में केस बन जाएगा, फिर कोई उम्मीद नहीं रहेगी एक बार जब अगर कोर्ट ने बोल दिया, वो भी कितना लंबे में जाएगा, कब आ जाएगा, कुछ उसका टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी चर्चा हुई है उनके साथ में तो फिर भी लेकिन हमसे जितना हो पाएगा अगर लीगल वाले मैटर में भी, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर किया हुआ है, कोर्ट में भी जाएंगे तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही जाएंगे और वही खारिज हो जाएंगे। अगर वो फिर भी हम लोग एक बार प्रयास करेंगे कि लीगल टीम को हम लोग दिखाएं और जो भी उसमें पॉसिबिलिटी होगी वो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी आप एक बार, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी एक अंतिम हमारे पास उपाय है कि जो पीयूष गोयल जी है रेल मंत्री, उनसे ही हम मुलाकात करके इस हमारी समस्या का समाधान अभी वही निकाल सकते हैं, यही मुझे एक अंतिम उम्मीद लग रही है। और जो स्टूडेंट चाहते होंगे कोर्ट केस करना तो आप वो खुद भी कर सकते हैं, और क्योंकि मैं भी अभी इतने देर से सर्वाइव कर रहा हूँ, आगे मुझे भी लगता है कि कोर्ट केस के लिए मैं भी समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल लाइफ है और मैं भी कुछ अलग भी मुझे करना है, क्योंकि अभी मेरे घर में भी कुछ सम प्रॉब्लम्स होती है। तो ठीक है ना, आप अपने से कर सकते हो, कोई जिम्मेदारी ये ले सकता है, शायद मैं नहीं ले पाऊँगा कोर्ट की जिम्मेदारी। हाँ, मैंने ये पहले कहा था कि हम कोर्ट केस करेंगे, बट जो मुझे लग रहा है कि मेरे से ये चीज़ नहीं होगी कोर्ट की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है इस चीज़ में, कि मुझे ये भी लगता है कि ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। जिसको ये लगता है कि कोर्ट केस करने से सक्सेस हो सकता है तो मैं उनके साथ में भी हूँ, वो आगे आए कोशिश करे, मतलब मैं उनके भी साथ कुछ, में कुछ लोगों का जिनका फॉर्म जिनको लगता होगा कि बिल्कुल अच्छे सही से फोटो था और सिग्नेचर रहा होगा, वो लोग चाहें तो बिल्कुल पहले तो सबसे पहले मेल वाला प्रोसेस करें वो लोग जो मेल करना है, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं तब भी गलत रिजेक्ट हुआ है तो एक बारी को सोचा जा सकता है कि वो लोग कोर्ट के थ्रू अगर कुछ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरा ऐसा केस नहीं है कि, क्योंकि केस ऐसा होता है जो करे उसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और मेरा फोटो का है तो थोड़ा सा इशू है मेरा भी, तो इसलिए मेरा नहीं चलेगा। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो खुद होके सामने आए, जितने भी हमारे ग्रुप में है जो खुद होके सामने आए
और बोले कोशिश करें, तो जितना फंड हमारे पास अभी रिमेनिंग में बचा हुआ है मैं उनको ट्रांसफ़र करता हूँ, मगर वो आपकी सहमति से होगा जिन्होंने हमें पैसा भेजा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा खर्चा भी हुआ है, अभी दिल्ली में खर्चा हुआ है, 11 तारीख को पटना में भी हुआ है, और अभी जंतर मंतर आए वो भी हुआ है, और जिन्होंने हमें पैसा मंगा है मैंने तकरीबन बहुत से लोगों को पैसा रिटर्न भी कर दिया है, कुछ ज़्यादा पैसा भी हमारे पास अभी रिजर्व नहीं है, ये भी बात का ध्यान आप रखें। और मैं यही कहता हूँ कि एक पीयूष गोयल जी ऑप्शन है, और जिसको कोर्ट केस करना है वो आपने अपने लेवल पे कुछ कोशिश करें, ठीक है? इतना कहता हूँ मैं, धन्यवाद।